हेलो फ्रेंड्स, बर्प में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैकरेल फिश रोस्ट। मैकरेल एक्चुअली हम छोटी समुद्री मछली को कहते हैं। समुद्री मछली की अनेक प्रजाति पाई जाती है। कहते हैं इन मछलियों में विटामिन डी और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। आप किसी भी समुद्री मछली के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और अगर आपके पास समुद्री मछली अवेलेबल नहीं है तो आप रोहू और कतला के साथ भी इसे बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। इस मैकरेल फिश रोस्ट को बनाने के लिए मैंने 1/2 kg वंजिरम फिश लिया है, इसे सियर फिश भी कहते हैं। अब एक बाउल में हम इस फिश के लिए कोटिंग तैयार करेंगे। मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है यहाँ पे। अब इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालेंगे, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है फिश के साथ, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे इसमें। अब 1 और आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। आपको अगर तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा रेड चिली पाउडर डालिए। थोड़ा सा इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच मैंने यहाँ डाला है। अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। चम्मच वगैरह से मिलाने से अच्छे से नहीं मिलता, इसलिए मैं इसे हाथ से ही मिला रही हूँ। खासकर बेसन में गांठें रहती है, इसलिए इसे अच्छे से मिलाना ज़रूरी है। ये कोटिंग तैयार हो गया हमारा। इसमें वंजिरम फिश के पीसेस डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे यहाँ पे। अब नींबू का रस डालेंगे, मैं यहाँ 1/2 नींबू का रस डाल रही हूँ। ये 1 ताज़ा करी पत्ता तोड़कर इसमें डालेंगे। करी पत्ते से फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और करी पत्ती के फायदे भी बहुत होते हैं। अब फिश और मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से सारे फिशेस में मसाले लग जाने चाहिए। ये फिश रोस्ट कुछ ही मिनटों में बहुत ही आसानी से बन जाता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अब इस प्लेट में हम एक एक करके फिशेस निकाल लेंगे। ये बचा हुआ मसाला भी हम मछली के ऊपर लगा देंगे। ये फिश मसाले की कोटिंग के साथ तैयार है। अब हम थोड़े से तेल में इसे तवा में रोस्ट करेंगे। मैंने यहाँ सरसों तेल लिया है थोड़ा सा। तेल गरम हो गया, अब इसमें कोटेड फिश डालेंगे। हमें इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। कुछ देर आप फ्लेम मीडियम रखें, उसके बाद आप लो कर दीजिए। एक साइड से ये पक चुका है, अब दूसरे साइड से हम पलट देंगे। आप देख सकते हैं ये लाल हो गया है एक साइड से। हर तरफ से इसे कम आंच पे अच्छे से पकाना है। दोनों साइड से अच्छे से पक चुका है, अब इसे निकाल लेंगे। फिश रेडी है हमारा। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपने ट्राई किया तो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं कि आपका ये फ़िश कैसा बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।